धेरे में रख सकते हो, विद टाइम आपको अगले के पत्ते खुल। एक बच्चा लिख रहा है लेवेन, बेटा तुम हे प्रभु भाई, मैं ऐसे कोई गलत काम नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ बच्चों को, यहाँ पे बच्चे सीखे सिखाए आए हैं, ठीक है। नहीं उतना आगे नहीं, मतलब बात बात करो, इट इज इम्पोर्टेंट यू शुड नो द अदर पर्सन, क्या आप कंपैटिबल हो। कंपैटिबल हर सेंस में होता है, फाइनेंशियली भी होता है, आपका आप सेम 10-25-50 चीजें हो जाती हैं, क्या आप सेम गोल्स सोच पाते हो, तो वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो, ठीक है। मतलब आप अरेंज करो, पर आप यू शुड नो द अदर पर्सन, एक तरह से लव कम अरेंज हो गया। This is very important. क्लियर, ग्रेट। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, 52,000 हो गए हम भाई साहब, अलग ही लेवल पे मचा रहे हैं, हो गया मेरा। तो मैं भूल गया क्या बता रहा था, क्या बोल रहा था मैं। हाँ, सबसे पहले यार आपको खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है, एक तो रिलेशनशिप्स को हमें समझना पड़ेगा। रिलेशनशिप का मेन मतलब ये होता है कि आ आप दूसरे व्यक्ति को खुश रखो, समझ में आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे से खुद खुशी प्राप्त करो, आप दूसरे व्यक्ति को खुश रखो। एक जॉइंट वेंचर होता है, जॉइंट वेंचर का मतलब समझते हो, जॉइंट बिजनेस, राइट। तो आपका काम है आप उनकी यार रिस्पेक्ट करो, उनसे आप केयर करो, और अगला व्यक्ति जब खुद खुश होता है तो वो आपके अंदर इन्वेस्ट करता है। चीज समझ में आ रही है। आपने अपनी मम्मी को देखा है, आपके मम्मी को फर्क नहीं पड़ता आप उनसे प्यार करते हो नहीं करते, वो अपनी साइड से करती रहेंगी। चीज क्लियर हो रहा है। पर इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा एक तरफा आशिक बन जाओ, जो बॉलीवुड हमें सिखाता, पागल हो गया, जिंदगी में काम नहीं हमारे पास आया ना, वो व्यक्ति नहीं बनना भाई जो कि जबरदस्ती रैंडम मैसेजेस भेज रहा है इधर उधर सोशल मीडिया पे। मतलब काफी बार तो मैं ऐसे पढ़ा रहा होता हूँ क्लास में, बच्चे आपस में स्टार्ट हो गए हैं, एक लड़के को कोई दिख गई है और बस उसे तुम्हें समझ में आ रहा है क्लास में क्या हो रहा है, अभी मैं तुम्हें कुछ बताऊं खुद समझ लो पहले, पर नहीं, कमेंट्स के नीचे कोई बच्चे आपस में ही बात कर रहे होते हैं, फिर मैं सर पकड़ के घूम जाता हूं। वो व्यक्ति नहीं बनना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं देखने, आप अपने ऊपर काम करो, आपको अपने आप टाइम के साथ चीजें मिल जाएंगी अगर आप में दम होगा तो, ठीक है। और खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है, जो व्यक्ति यार खुद से ही नहीं करता, मतलब आपका बहुत प्यारा नार्सिसिस्ट होना जरूरी है। नार्सिसिस्ट एक गलत शब्द होता है ना, जो खुद के बारे में तारीफ करता रहे, जनाब आपको खुद से बेहिंतिहा प्यार होना चाहिए। एक तो होता है कि यार इतना प्यार सबको होता है कि यार मुझे अपना पेट भरना है, मुझे अपने लिए खाना खाना है, एक होता है यार मुझे अपने लिए काम करना है, मैं अपने आप को 35 साल की उम्र में फ्री करना चाहता हूँ, मैं अपनी बॉडी पे काम करना चाहता हूँ, मैं हेल्दी खाना खाना चाहता हूँ, राइट। मैं अच्छा फील करता हूँ अपने बारे में, अगर मैं एक आइडियल पर्सन सोचूं तो मैं उस आइडियल पर्सन के बहुत पास हूँ, मैं कोई ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो मेरे जैसा हो। ये समझ में आ रही है, ये वाला अच्छा था, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो मेरे जैसा हो। उस लेवल का जब आप अपने आप से करने लग जाओ, वही सेम सिनेरियो यार, एक जलता हुआ दिया ही दूसरे बुझे हुए दिए को जला सकता है, दिए को आप खुद से ही नहीं करते, आप दूसरे को क्या दोगे। जो चीज आपके पास अबंडेंस में होगी तभी मैं आपको दूंगा ना, मेरे पास 2 पेन होंगे तब आपको 1 पेन दे दूंगा, ये ले यार तू भी लिख ले, वही सेम रूल है यार।